हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं मैं अभी अपनी छत पर हूँ, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो भी हमारे छत पे प्लांट्स हैं कि हमने कौन कौन से प्लांट लगाए हुए हैं, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये केले का पेड़ है जो हमने गमले में लगा रखा है। इसकी थर्सडे को पूजा होती है, ये इस वजह से हमने इसको लगाया हुआ है। और ये जो प्लांट है ये है मनी प्लांट है। ये पहले बड़ा था बट अब थोड़ा सूख गया था, तो हमने इसकी कटिंग करवा दी। अब ये दोबारा से उतना ही बड़ा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो है गुलाब का पौधा है, हमने आई थिंक 1 मंथ पहले ही लगवाया। अभी इसमें फ्लावर नहीं निकले, ये रेड रोज़ निकलेंगे इसमें, तो जब भी ये निकलेगा मैं फिर आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी। यस, ये आप देख सकते हैं, ये जो है हरी मिर्च का पौधा है। लास्ट टाइम पर भी इसमें हरी मिर्च आई थी, लगभग 3 से 4 महीने पहले की बात होगी। और अब फिर इसमें देख सकते हैं आप, छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, इसमें फिर से हरी मिर्च लगेगी। जब हरी मिर्च लगेगी तब मैं आपकी के साथ फिर से वीडियो शेयर करूँगी इसकी। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, ये हमने यहीं लगा रखा है, इसको हमने छत पे ही लगा रखा है। और देख सकते हैं आप, इसको बड़ा भी हो गया ये। तो ये जो है ये गुड़हल का पौधा है, सॉरी पेड़ ही बोलेंगे इसे, पौधा क्या बोलेंगे, ये पेड़ बिल्कुल बड़ा सा हो गया है। और इसमें आप देख सकते हैं, ये अभी शाम का टाइम है तो ये क्लोज है अभी कल ही, बट ये जब मॉर्निंग होती है खुल जाते हैं। तो ये भी वीडियो मैं आपके साथ एक बार शेयर करूँगी सारी, जब मिर्च विच हो जाएगी तो आपके साथ इन मतलब इस फ्लावर की भी पिक शेयर करूँगी। ये आप सोच रहे हो घास, ये दुर्वा होती है जो हम गणेश जी पे डेली पूजा करते हैं, जब चढ़ाते हैं, मेरी मम्मी और पापा जब करते हैं, तो ये उस लिए हमने इसको लगा रखा है। आप ये देख सकते हैं, देखो मेरी बेटी जो है कितना एंजॉय कर रही है वॉकर में। तो हाँ, ये इससे अब चाहिए, जो अनार का पेड़ है वो घर में होना चाहिए, तो हमने इसलिए इसको लगा रखा है। अब इसमें फल आए भी नहीं हैं और देखो कब तक आते हैं, इसका हमें आइडिया भी नहीं है कि कब तक आएंगे। ये नॉर्मल, ये मुझे इसका नाम, ये आप देख रहे हैं ये सदाबहार का है पौधा, इसमें भी फूल आते हैं। जब आएंगे तब मैं सारी, मतलब जब भी फूल आएंगे मैं साथ में ही शेयर करूंगी पूरी वीडियो बना के। ये भी सेम सदाबहार ही है। और ये जो है ये फुलवारी होती है, इसमें सबको पता ही होगा रेड रेड कलर के छोटे छोटे फूल, रेड नहीं सॉरी पिंक कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है गुड़हल का, ये एक और मतलब हमारे पास 2 गुड़हल के पौधे हैं, मतलब पेड़ हैं, इसमें रेड कलर का फ्लावर निकलता है। और वो जो लास्ट था वो आपको पता ही, उसमें थोड़ा क्रीम कलर का निकलता है, मतलब लाइट ऑरेंज बोल सकते हैं जिसको हम। ये अभी मुरझाया भी नहीं बोलेंगे, अभी शाम हो गई तो ये थोड़े से पत्ते इसके डाउन हो जाते हैं। ये जो है ये आंवले का पौधा है। यस, ये आंवले का है, ये भी हमने अभी लगाया 10 से 15 दिन पहले। और ये जो है ये कौन सा है, ये जो है ये पारिजात का पौधा है, मतलब ये भी हमने अभी कुछ दिन पहले ही लगाया है। और इसमें से भी फ्लावर आते हैं, जब आएंगे तब मैं फिर आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये है सदाबहार का, सेम हमारे पास बहुत सदाबहार के पौधे हैं, तो आप इसमें इसके फ्लावर तो आप देख ही सकते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। ये हमारे पास बहुत हैं, ये 4 है आई थिंक, 1 2 3 4 है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमने इसमें मतलब बहुत सारी खाद लगाई थी पहले, ये एक टब है इसके अंदर बहुत सारी हमने खाद लगाई थी, जैसे चाय पत्ती बच जाती है, वो सब्जियों के छिलके बच जाते हैं, वो भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। और ये जो है ये देख सकते हैं, ये जो है मम्मी ने इसमें तोरई के कुछ बीज डाल दिए थे, तो वो अब थोड़े थोड़े देखिए निकल गए इसके। अब ये जब बड़ी बेल हो जाएगी तब मैं फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं, ये मीठी नीम बोलते हैं इसको, कड़ी पत्ता है ये। ये जैसे कि हम पोहे वगैरह बनाते हैं, जब ये यूज़ कर लेते हैं इसका तड़का बहुत टेस्टी होता है, पोहा बनाते हैं, या फिर हम जैसे डोसे के आलू को तैयार करते हैं उसमें भी इसका यूज़ कर लेते हैं। ये जो है ये तुलसी है, ये तुलसी है, बहुत मतलब सही हो रखी है। इससे पहले हमारी जो तुलसी थी वो बहुत बड़ी थी, बट अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा हुई थी उससे हम हो गया, बट अब बरसात स्टार्ट है तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये भी तुलसी है, और ये जो है ये बेल पत्र है, ये सावन का महीना चल रहा है इसे हमने पहले से लगाया, हम इसके जो पत्ते हैं वो शिव जी को चढ़ाने के लिए उसमें लाते हैं। ये जो है स्पाइडर प्लांट है, ये बहुत मतलब सही हो रहा है, इसको लगे हुए आई थिंक
2.5 ईयर हो गए होंगे कंप्लीट।